फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल नेक बनाने का सबसे इजी तरीका। और इसी के साथ हम आपके साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करेंगे। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका नेक भी फिनिशिंग के साथ और अच्छे तरीके के साथ बन पाएगा, वो थी फिनिशिंग के साथ। जो देखिए, सबसे पहले हमने इस कुर्ती की कटिंग की हुई है, इसके ऊपर हम ये राउंड नेक बनाएंगे। जी देखिए, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग नेक ले सकते हैं। हम इसके ऊपर राउंड नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपने नेक की ब्राउननेस का निशान लगाएंगे। जी देखिए, जैसे हमने इस कुर्ती के ऊपर हमने ब्राउननेस का निशान लगाया है 2.7 इंच, ये हाफ में है। जब इसे खोलेंगे तो हमारे पास 5.5 इंच नेक की ब्राउननेस आएगी। तो उसके ही अकॉर्डिंग हम अपने नेक को पेस्ट करेंगे 5.5 इंच ब्राउननेस लेते हुए। ये देखिए, इस तरह से हमने नेक लिया है और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसके ऊपर हम नेक को पेस्ट करेंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हम साढ़े 5 इंच नेक के ब्राउननेस का निशान लगाएंगे, क्योंकि जितना हमने नेक तैयार रखना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम, जितनी हमारी नेक की ब्राउननेस है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने नेक को पेस्ट करेंगे। इस तरह से रखते हुए अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हम जहां से हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से कट करने के बाद अब जहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक को अंदर की से टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारी नेक की ब्राउननेस है वो 5.5 इंच आएगी और लेंथ है हमारे नेक की 6.5 इंच तैयार। तो हमने 7 इंच ली है, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से जो हमारा नेक 6.5 इंच तैयार रह जाएगा, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब हम सबसे पहले जहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस फैब्रिक को अंदर की साइड इस तरह से टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे। अब इस नेक को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इस तरह से अब जहां से हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है, अगर ऊपर से थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसे हम कट कर बराबर कर लेंगे और जहां पर एक नोचेस लगाएंगे। अब हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे ताकि हमारा नेक है वो सीधा रहे। इस तरह से अब इस नेक को हम अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। जैसे इसकी ब्राउननेस 5.5 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग हम कुर्ती को इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम दोनों साइड 2.7 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से जो इसका सेंटर पॉइंट है, हम दोनों पॉइंट के ऊपर 2.7 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से जो हमारी नेक की ब्राउननेस है वो 5.5 इंच आएगी। और दोनों साइड से जो हमारे नेक शोल्डर है 4.2 इंच है, दोनों साइड इक्वल है। अब इस नेक को हम इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए ऊपर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों के साथ अच्छे से मैच करते हुए अब हम एक सिलाई सेंटर में लगाएंगे।
देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बुकरम के पास पास इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम एक बार अच्छे से नाप लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारा इक्वल आना चाहिए। जी देखिए, इस तरह से 10.5 इंच से 1 पॉइंट कम है, और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 10.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो इस तरह से जो हमारा नेक बिल्कुल सेंटर में है, इसी तरह से हम जहाँ से नाप लेंगे, और ऊपर से भी हमारा जी 3 इंच 2 पॉइंट है, और इसी तरह से दूसरी साइड है। अब इससे नेक को हम जहाँ से हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। और छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे। ध्यान रखें, जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम कट लगाएंगे। अब इस नेक को हम रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे रफ वफिए के साथ। जी देखिए, इस तरह से अगर आप भी छोटे छोटे टिप्स फॉलो करोगे तो आपका नेक भी इसी तरह से फिनिशिंग के साथ बन पाएगा। अब हम नेक के बिल्कुल पास पर ऊपर एक टॉप सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से जो हमारा नेक बन चुका है, इसके नीचे हम तरपाई करने के बाद इस सिलाई को जहां से हटा देंगे। जी देखिए, इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। तरपाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा सिलाई थी, उस सिलाई को हमने हटा दिया है। अगर आप भी हमारी तरह इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी नेक किसी तरह से फिनिशिंग के साथ बन पाएगा। आप किसी भी नेक को इसी तरह से फिनिशिंग के साथ बना पाएंगे। कोई भी नेक आप ले सकते हैं, स्वीट हार्ट या फिर कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारा नेक बैक साइड से भी पूरी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैक नेक बनाना बताएंगे बहुत ही सिंपल और यूजफुल टिप्स के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।